सर बोर्ड में हमने जो देखा, बोर्ड में हमें सिर्फ दो ही लाइन देखी जो सीपीयू से आई, और हमने वही वही से सीपीयू से आठ लाइन निकली। आता है कि बोर्डियो के बक्स कैसे होते हैं, जो लोग बोर्डियो से पढ़ते हैं कितने गलत करते हैं, ये भी बताया। बोर्डियो से भी देखा, लेकिन सर मैं तो सबसे कहना चाहूँगा बोर्डियो कृपया करके बिल्कुल ना खरीदें। अच्छा, मेरा ये कहना है सभी लोगों से। अच्छा, जो सर सर ने बताया उसको फॉलो करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं मतलब बोर्डियो में चेक करते उसमें दो ही लेग बता रहे हैं जी। दो ही कनेक्शन, और देव सर ने जो हमको डीप लेवल में बताया उसमें आठ कनेक्शन। तो ऐसी गलती कौन बता सकता है, जो एक एक, एक स्पेशलिस्ट होता वही बता सकता है ना। यस सर, वही बता, अगर जिसको नॉलेज होता वही बता सकता है। यस सर, गलती वही पकड़ सकता है जिसको नॉलेज होता है। देव सर के साथ हुआ क्लास हमारा, 11 से शुरू हो गया। हां, इतना जबरदस्त टेक्निक दे दिया है, कैसे बोर्डियो में कितना कमजोरी होता है। अच्छा, कमजोरी को उजागर कर दिया जी सर। कमजोरी बोर्डियो के कति कमजोरी दी रहता है, अनि त्यसपछि पोइन्टहरू कति पोइन्ट सिपिबाट आएको पोइन्टहरू कति मिस भएको छ, कति देखाएको छ, कति देखाएको छैन भन्ने सबै सम्पूर्ण नलेज दिनुभयो। अरू इन्स्टिच्युटहरूमा जो पढाउने टिचरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोर्नियोबाट पढाउँदा के के कमजोरी स्टुडेन्टहरूलाई दिनुहुन्छ, हामीले के के कुराहरू त्यसको बेनिफिटहरू दिन्छौँ भनेर पनि सम्झाउनु भएको थियो। यो एक सुरुवाती पहल बहुत अच्छा है कि आपको बोर्नियो मिलता है, आपको कोई गाइडेंस मिलती है, पर क्या बोर्नियो एंडलेस है क्या? बोर्नियो से अगर कोई टीचर आपको सिखा रहा है कि देखो ये बोर्डियो खोल लिया और यहाँ से यहाँ तक लाइन बता दी, तो क्या वो लाइन वहीं पे खत्म हो जाती है क्या? क्या बोर्डियो से पढ़ाना सही है कि गलत है बताओ? गलत है, सही है कि गलत है? क्योंकि बोर्डियो खुद आधा है तो मतलब वो टीचर भी आपको आधा पढ़ा रहा है। आपका तो एक पैड बनना चाहिए ना पूरे की पूरा। अब मुझे बताओ इस बोर्डियो की क्या गलती मैंने यहाँ पे बताई है, बताइए यहाँ पर। देखो इधर देखो, ये सब अपना कॉपी दिखाओ जरा लाइन में यहाँ पर। ये देखो, ये हमने डायग्राम बनाया हर एक पैड की जानकारी यहाँ पर दिखाइए। ये देखो हर एक पैड की जानकारी, ये देखिए, ये सबने ऐसी बना ली कि समझ के बनाई है? समझ के बनाई है। किसको आया ये समझ में, बताइए सर। और बंदे सर सही चल रहा है तो मुझे बताइए आज ऑडियो की क्लास कैसी लगी, बताइए। 14 बॉल 9 बॉल का सर्किट किस किस को समझ में आया, हाथ खड़े करके बताओ। मुझे बताओ आईसी देखकर कौन कौन बता देगा कि 4 वोल्टेज कहां, 1.8 वोल्टेज कहां चेक करना है यहां पर, और यहां से जाने के बाद में सब लाइव प्रैक्टिकल में आपके फोन पे ये सारी सप्लाई प्रैक्टिकल कौन कौन चेक करने वाला है, यहां से आईसी निकाल के पूरा जीआर कौन कौन बनाने वाला है। ऑडियो का क्लास था, ऑडियो आईसी का, और बिना उठाए कैसे चेक करना है वो मेरे को आज मालूम पड़ गया। बिना उठाए आईसी सही है कि नहीं, देव सर ने जो मतलब ट्रिक जिस ट्रिक्स हमको पढ़ाया ना, रिंगर रिसीवर, ये अभी तो ओल्ड मॉडल का बहुत दूर की बात है सर। आईडियो पीएमआई अभी जो लेटेस्ट मॉडल बताया ना सर, जिस ट्रिक से किस ट्रिक से बिना आईसी उठाए चेक करना है, मतलब आईसी खराब है या आईसी को पहचानना, मतलब एकदम डीप लेवल का बताया देव सर। पैसा कब वसूल हो गया, बीच में इंटरप्ट करूंगा। तीसरे दिन ही हो गया पैसा टेलीकॉम, मतलब पैसा वसूल, पैसा वसूल। कोई ये दुकानदारी वाला नॉलेज मिल रहा है या यूट्यूब वाला नॉलेज मिल रहा है, प्रो लेवल का नॉलेज है? बिल्कुल सर, बोर्नियो से भी अलग, बोर्नियो से भी अलग। बोर्नियो को बीट किया आज आपने? बिल्कुल सर। थैंक यू। स्टूडेंट है जो खाली बोर्नियो पे पढ़ाता है? नहीं सर, नहीं सर। आपने बोर्नियो पे पढ़ा क्या? नहीं नहीं, बोर्नियो सर ने बोर्नियो पे पढ़ाया आपको? क्या कहीं पे पढ़ाया आपको? हमने एंडलेस तक तो पढ़ा, अपना अपना कोडिंग में पढ़ा। ठीक है, जाएगा यहाँ से फुल गारंटी, फीस वसूल, पैसा टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। प्रैक्टिकल में आईसी उठा के, आईसी उठा के की लगा के, पेट का नॉलेज है आपको? पूरा सर, पूरा पूरा मतलब पैसा वसूल, पैसा वसूल होगा, पैसा वसूल एकदम गारंटी तुम लेते हो? एकदम। कोई भी बच्चा पढ़ने आता है तो? आता है तो एकदम। बोलू की एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल, पैसा वसूल होता है? यस सर। कितने दिन में हो गया तुम्हारा? तीसरे दिन ही हो गया सर। था ऑन बोर्ड था उसको भी हमने अब देवकर सर के क्लास और सर की टीम की मदद से ये नॉलेज हुआ कि पावर आईसी कहीं फॉल्ट है तो चेंज किए, तो अभी ऑन हो गया है वो, उसका साउंड अभी चालू हो गया है। मेरे को नॉलेज भी नहीं था, आज मैं बोर्ड में कैम्प भी किया और एक पावर आईसी तो कभी पावर आईसी उठा के भी डाल दिया, वो ऑन भी हो गया, वो रिंगर भी चलने लगा जी। और एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल, सब बढ़िया है। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?
कीजिए मेरे को। हमने आज पूरा डिटेल में समझा ऑडियो आईसी के बारे में। हाँ। पूरा डिटेल में रिंगर के जितने भी पॉइंट्स है सारे एकदम सर डीप लेवल मतलब एंडलेस मतलब लास्ट कहाँ से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा कहाँ तक पूरा एंडलेस नॉलेज पूरा एंडलेस और उसके बाद ये भी बताया कि बोर्नियो के बक्स कैसे होते हैं जो लोग बोर्नियो से पढ़ते हैं कितने गलत करते हैं ये भी बताया। अच्छा हाँ सर हमने एक आईसी उतारा था। हाँ। उस आईसी में सर ने मतलब दिखाया हमने भी टेस्ट किया खुद से बनाया अपना। हाँ। कि मतलब जैसे आठ ये होता है ना आपका। हाँ। पॉइंट लेकिन बोर्नियो में सिर्फ दो ही दिया था दो ही दिया छः नहीं दिया था तो उसके बिना तो मोबाइल जो बोर्नियो से बनाएगा उसको पता नहीं चलेगा कि छः पॉइंट कहाँ है क्या है वो बनेगा नहीं और हम लोग को जो है पूरा सीमेटिक हिसाब से समझाते हैं प्रैक्टिकल में आईसी उठा के की लगा के का नॉलेज है आपको पूरा सर पूरा 9 बॉल का आईसी 14 बॉल का आईसी और 16 बॉल का आईसी स्मार्ट पी सारा का डेडिकेशन किए कितना वोल्टेज आना चाहिए सारा ये सब मेरे को पता हुआ कहाँ से कहाँ का लाइन जाता है सारा क्लियर हो गया। तो भाई स्मार्ट पी तो बन गया तुम भी स्मार्ट बन गए। यस सर हम भी स्मार्ट बन गए पहले मदरबोर्ड का नॉलेज नहीं था पूरा 100% हो गया सर पूरा 100% हो गया। तो खाली एक सीपीयू मतलब एक मोबाइल पे बताया है कि पूरे सीपीयू पर नहीं सर सीपीयू वाइज हम लोग पढ़ते हैं मोबाइल से मेरे को क्या लेना है ओप्पो वीवो रियलमी हमें सीपीयू से लेना है और हमें एंडलेस तक पढ़ाया गया और देखा गया प्रैक्टिकल भी करवाया गया फर्स्ट 9 बॉल की उसके बाद 14 बॉल की उसके बाद 16 बॉल की वो आईसी को ट्रेस किया उसके बाद हम लोग उसमें स्मार्ट पीए में आ गए स्मार्ट पीए में ट्रेस किया वहाँ पे एंडलेस जानकारी ली उसके बाद हम लोग शाम को यहाँ पे आए उसको जानकारी के बाद डाटा शीट बनाने के लिए डाटा शीट कैसे बनता है कैसे बनाया जाता है खुद से वो डायग्राम के बिना या बोर्नियो के बिना ही आप टेस्ट करते 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 आप डाटा शीट बना सकते हैं पूरा। स्टूडेंट मेरा नाम सर प्रमोद मैं गाजियाबाद से हूँ जी। आज हमारी ऑडियो की क्लास थी जिसमें सर ने हमें 9 बॉल 14 बॉल 16 बॉल और स्मार्ट पीए के बारे में जानकारी दी जी। जिसमें सारी एंडलेस तक हमने ट्रैक्स चेस करे उसकी वैल्यू चेक करी उसका डायग्राम बनाया और शाम को उसी के हमने प्रैक्टिकल भी किया सर। तो प्रैक्टिकल में क्या किया आपने सर प्रैक्टिकल में आईसी उतार के सर सारे ट्रैक चेक करे हमने उसकी वैल्यू चेक करी कहाँ पर कौन सी रीडिंग आ रही है ये सब किया। तो आपको ये भी मालूम है कहाँ जी आर कितना मिलना है बिल्कुल सर आपको ये भी मालूम है कहाँ कितना वोल्टेज मिलना है हमें है ना और आपको ये भी मालूम है कि फ्रीक्वेंसी कहाँ पे चेक करनी है कैसा लग रहा है ये सब काम बोर्ड में ये समझ में आ जाएगी और कौन सा इनपुट लाइन है कौन सा आउटपुट ये भी हम पहचान सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में भी हमने प्रैक्टिकल किया और मेरा एक नहीं सर अभी कुछ मतलब डाउट नहीं है मैं कोई सा भी आपको ऑडियो आईसी दूं तो कितनी देर में बना दोगे आप मेरे को ट्रेस करके कितनी देर में पूरा मतलब बनाओ ना के 10 से 15 मिनट में पूरा क्लियर करके दे दूंगा क्लियर करके हो जाएगा पूरा कांसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है थैंक यू। हां 9 बॉल 14 बॉल 16 बॉल की और स्मार्ट पीए की भी हुई थी क्लास बहुत बढ़िया रहा आईसी की क्लास थी उसमें से हमने आईसी वाइज से मतलब थियोरी क्लास की एक एक मतलब आईसी उठा के मैंने एनलेस तो पढ़ाई किया पढ़ाई थी बोर्ड से आईसी निकाली थी। हाँ सर निकाल के फिर चेक करी निकाल के चेक करा आपने। हाँ सर जानकारी पूरी मिली आपको जानकारी पूरी सेटिस्फाई 14 और 16 बॉल के आईसी उसका डायग्राम के साथ बताया गया और डिप पूरा क्लियर बताया गया जी और उसके बाद शाम में उसका प्रैक्टिकल हुआ जो कि पूरा डीपली सारा जी आई सी निकाल के सारा ट्रेसिंग करके क्लियर वो भी मालूम पड़ गया। किस लेवल का नॉलेज मिला है तुमको ऑडियो का किस लेवल का एक डीप लेवल वाला नॉलेज मिला है नहीं नहीं दुकानदारी वाला या ऑनलाइन वाला नहीं नहीं सर पूरा डीप लेवल के पूरा एंडलेस तक मिल गया नॉलेज बहुत अच्छा लग रहा है वो ट्रिक मतलब एकदम हाई लेवल का था। अच्छा फिर उसके बाद आपने यहाँ आके प्रैक्टिकल करा दिया। यस सर उसके बाद हमने कितने बोर्ड पे प्रैक्टिकल करा था? सर मैंने तो 3 बोर्ड पे सर तीन बोर्ड पे प्रैक्टिकल करा प्रैक्टिकल में एक लाइन को समझा आपने बोर्ड तो मेरे जेब में मत 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 बताओ ठीक है आपकी जेब में बताइए कैसा लग रहा है सब सर बहुत मतलब एकदम अंदर से जो फीलिंग आ रही है ना खुशी वाली अभी कोई अगर ऑडियो का सेट आता है आपके पास प्रॉब्लमेटिक आता है तो कितनी देर लगेगी सुबह एकदम अभी ट्रेसिंग करके बनाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट जी तो मतलब एंड तक समझा कि नहीं एंड सर एकदम मतलब वोल्टेज को समझा एकदम चलिए ठीक है। आज बहुत बढ़िया क्लास लगी सर जी। आज हमारा ऑडियो पीए स्मार्ट पीए की क्लास थी जिसमें हमने ऑडियो की ट्रेसिंग सीखी जी कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं कहाँ कितनी फ्रिक्वेंसी आती है। अच्छा उसी का
क्या मिसिंग था उसके अंदर? सर उसके अंदर चार वोल्ट नहीं आ रहे थे। अच्छा, क्या किया आपने? मैंने सर उसमें एक जम्पर दे दिया, बाईपास कर दिया, चार वोल्ट आवाज नहीं है। आगे सर ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम है महेश सिंह परमार है, मैं गुजरात से हूँ। आज सुबह 11 बजे से देव सर के साथ क्लास थी, उसमें हमको रिंगर की आईसी के बारे में और रिसीवर के बारे में सब बताया गया अच्छे से, डीप लेवल के नॉलेज में जी। और उसमें जो सीपी आईसी का जो ये होता है उसमें मतलब बॉर्नियो में चेक करते उसमें दो ही लेग बता रहे हैं, दो ही कनेक्शन, और देव सर ने जो हमको डीप लेवल में बताया उसमें 8 कनेक्शन। तो ऐसी गलती कौन बता सकता है? जो एक स्पेशलिस्ट होता है वही बता सकता है ना? यस सर, वही बता। अगर जिसको नॉलेज होता है वही बता सकता है। यस सर, गलती वही पकड़ सकता है जिसको नॉलेज होता है। उसमें प्रैक्टिकली हमने सब ट्रैक वो सब चेक किया और बढ़िया से क्लास अच्छे। तो कोई किसी प्रकार का हम ऑडियो को लेके कोई कंफ्यूजन लेके बैठ जा रहे हैं क्या हॉस्टल? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, 100% डीप लेवल था। छत्तीसगढ़ से आ रहा हूं। आज सुबह हमारी ऑडियो की क्लास थी जिसमें देव सर ने हमें पढ़ाया और पूरी जानकारी दी, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, पूरा एंडलेस। कैसा लग रहा है सब करके आपको? बढ़िया लग रहा है। ऐसी उठा के वापस लगाया उसके अंदर? यस सर। मतलब तो एक एक लाइन का नॉलेज हुआ आपको? हाँ हुआ सर पूरा। अब खाली आईसी को दूर से देखोगे तो पहचान जाओगे कि कौन सी काई की कौन सी लाइन है। बिना मल्टीमीटर के और बिना डायग्राम के खाली बोर्ड को ही देख के बता सकते हैं कि कौन सा सेक्शन क्या है, कौन सा लाइट आईसी है, कौन सा पावर आईसी, सब चीज बढ़िया से। यस सर, नजदीक से हो मतलब? बिल्कुल सर। हाँ, और आज सर हमारे देव सर के साथ दिन डे बाय डे जो आपकी ग्रोथ हो रही है कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और आज देव सर के साथ हमारी क्लास थी, 9 बॉल 14 बॉल 16 बॉल की आईडियो आईसी की सर क्लास थी। हमने बोर्नियो से भी देखा, लेकिन सर मैं तो सबसे कहना चाहूँगा बोर्नियो कृपया करके बिल्कुल ना खरीदें। अच्छा। मेरा ये कहना है सभी लोगों से। अच्छा। और जो सर ने बताया उसको फॉलो करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। चेक करा? हाँ सर बिल्कुल, आईसी उठाकर। किसी प्रकार का कोई डाउट तो साथ में नहीं है सर? कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मतलब जो बोर्नियो में कमी मिलती है ना, उसे एशिया टेलीकॉम में वो देव सर से मिलती है भाई। नॉलेज इसलिए कमी मिलती है, बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता बोर्नियो में कोई कमी निकाल सकता है। सर आपको बताऊं मैं आपको, वो बोर्नियो लेके पढ़ाते हैं सर, वो बोर्नियो से ही पढ़ाते हैं, वो उनका माई बाप है, उनको नॉलेज नहीं है। नहीं है सर? नहीं है। यस सर जी सर। तो आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए? मैं तो बोलूंगा एशिया टेलीकॉम में भाई, नॉलेज जहां मिले वहां जाना चाहिए। मैं नहीं बोलता आप सब एशिया टेलीकॉम में आ जाओ, बाकी जहां पे जिसको नॉलेज हो उसके पास जाओ आप। यस सर जी। और एशिया टेलीकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम अरविंद है। आज हमारा ऑडियो आईसी का क्लास था देव सर के साथ जी। उसमें हमको बताया गया डेटा शीट आईसी डेडलाइन तक गए और पूरा नॉलेज दिया सर ने, डेटा शीट कैसे बनाते हैं। और शाम को हमारा प्रैक्टिकल था, उसमें हम जी आर कैसे चेक करते हैं, वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, वो हमने खुद से ट्रेस किया। तो खाली पीसी भी देख के, जहाँ अगर आईडियो आईसी देख के और वहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट सब बढ़िया रहे ऐसे टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। देव सर के साथ हुआ क्लास हमारा, 11 से शुरू हो गया। इतना जबरदस्त टेक्निक दे दिया, कैसे बोर्नियो में कितना कमजोरी होता है। अच्छा, कमजोरी को उजागर कर दिया जी सर, एक्सपोज कर दिया बोर्नियो जी सर, वो भी बता दिया। ये सब कौन कर सकता है? नॉलेज वाला कर सकता है कि विदाउट नॉलेज वाला कर सकता है? नॉलेज वाला कर सकता है। नॉलेज ऑडियो आईसी, ऑडियो आईसी। तो आपने आईसी को उठा के प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? पैड लाइन चेक करी कि नहीं उसकी? किया है पूरा, एक एक चीज की पैड लाइन चेक करी। कौन सा कंपोनेंट कितना बढ़ने चाहता है, कितना आउट करता है वो भी। अच्छा, वो पूरा ऑडियो हमारे दिमाग में जब छप गया सर। ऑडियो सेक्शन को ऑडियो आईसी को क्लास थे। ऑडियो आईसी को क्लास में आज देव सरले हामीलाई अडियो आइसीमा इनपुट कताबाट जान्छ, आउटपुट कताबाट निस्किन्छ, त्यहाँ स्विचिङ कसरी हुन्छ, त्यहाँभित्रको प्रोसेसिङहरू के हुन्छ, रिफ्रेन्स कसरी आउँछ, त्यहाँबाट सबै कुरा सम्झाउनु भयो, राम्रोसँग इन्डलेस तरिकाले सम्झाउनु भयो। त्यसपछि हाम्रो बोर्नियोमा के कति कमजोरी छ, बोर्नियोले के कति कमजोरीहरू लिइरहेछ, अनि त्यसपछि पोइन्टहरू कति पोइन्ट सिपिबाट आएको पोइन्टहरू कति मिस भएको छ, कति देखाएको छ, कति देखाएको छैन भन्ने सबै सम्पूर्ण नलेज दिनुभयो। अरू इन्स्टिच्युटहरूमा जो पढाउने टिचरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोर्नियोबाट पढाउँदा के कमजोरी स्टुडेन्टहरूलाई दिनुहुन्छ, हामीले के कुराहरू त्यसको बेनिफिटहरू दिन्छौँ भनेर पनि सम्झाउनु भएको थियो। उसमा 9 बल 14 बल 16 बल स्मार्ट पिए आइसीको बिल्कुल डिपली एन्ड लेभल तक ट्रेसिङ सर ने बताइए, सर ट्रेसिङ के यहाँ पर प्रैक्टिकल आके बहुत बढ़िया लगा था। अच्छा, तो आपने आईसी की पेड लाइन वगैरह सब चेक करी? हाँ सर। बात करूँ 9, 14, 16 स्मार्ट पी है 42 बॉल का, आपका सारी चीज़ आपका डाउट क्लियर है, फर्क मत।
ऑडियो आईसी की क्लास थी, उसमें हमने ऑडियो आईसी और कहाँ पर रहता है, कैसे पहचाना जाता है वो सब सीखा, और उस लाइन पे जितने भी कंपोनेंट आते हैं उसको कैसे चेक करते हैं वो सब सीखा। क्या बहुत अच्छा प्रो लेवल का नॉलेज मिल रहा है कि यूट्यूब का नॉलेज मिल रहा है? रोज नया नया सीखने को मिल रहा है। अवगत है बाला 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 सर, उसमें ऑडियो आईसी में हमारे रिंगर और 9 बाल 14 बाल 16 बाल और स्मार्ट पीए ये सब सर ने उनका जीआर कितना आता है और वोल्टेज कितना है पूरा डीपली में थ्योरी में बता दिया था। और बाद में हम प्रैक्टिकल क्लास में आए, प्रैक्टिकल क्लास में आईसी उठाकर उसका एंडलेस तक पूरा ट्रेसिंग किया, कंपोनेंट में जीआर चेक किया ऑन बोर्ड पे और वोल्टेज चेक किया। फिर क्लास थी प्रैक्टिकल हम लोग किए सर, और प्रैक्टिकल में जो जो समझाया गया था वो करके देखे सर, वो भी हुआ था। ऐसे टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल सर। ओके, जानकारी मिला देवप्रसन्न सर, देवप्रसन्न सर ने दिया हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिला हमें, और ये मतलब कहाँ से क्या होता है हमें पूरी जानकारी मिला। तो एक एक आईसी का पेड लाइन की जानकारी मिली आपको? जी सर। अगर आईसी के आरडीओ आईसी के पास में अगर कंपोनेंट लगे हैं तो उसका क्या काम है, क्या कर रहे हैं, आपको पूरी जानकारी है सर? पूरी जानकारी।